इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जाए। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप वन के क्वेश्चन करेंगे जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन होगा और जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। टोटल 10 क्वेश्चन होगा, 1 से लेकर 10 नंबर तक, और इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, आसान से ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या पूछा है। यहाँ पे बोला संख्या 5650 15% की वृद्धि की जाएगी तो कितना आंसर आएगा, यानी आपको बोला गया है कि 5650 पे अगर 15% वृद्धि कर दे तो कितना आपका वैल्यू आएगा। तो दोस्तों 15% का वृद्धि करने बोला है, 15% का वृद्धि मतलब 100 में 15 जोड़ के, यानी इसका हम लोग 115% निकाल लेंगे। इसका हम लोग 115% निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग इसका 115% निकालेंगे तो काट लीजिए, 23 बार में ये कट गया, 20 बार में ये कट गया 5 से, 10 से 10 यहाँ कट गया। अब दोस्तों 565/2 यानी 565 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 232.5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 23 से गुना कर लेंगे। अब दोस्तों इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से बन जाएगा। 5 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आना चाहिए, 5 3 15 होता है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आंसर होगा 5 होगा। किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन नंबर डी में, बस ऑप्शन नंबर डी ही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, संख्या ए संख्या बी से 8 गुना है। देखिए यहाँ पे बोला संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, एनटीपीसी सीबीटी की पूछा गया। दोस्तों दो संख्या पहले ले लेते हैं ए और बी। अब आपको क्या बोला है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो संख्या ए जो है वो बी का 8 गुना है। दोस्तों बी का 8 होना मतलब अगर बी 1 है तो ए कितना है, 8 है, यही इसका मतलब हो गया 8 गुना। और आपको पूछा है कि बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, बी रियल में कितना कम है ए से, दोस्तों ए से कितना कम है, बी 7 कम है, और किससे कम है, तो ए से 7/8 हो जाएगा, और इनको हम लोग यहाँ पे 100 कर लेंगे। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो नहीं, 4 पे काट लेते हैं। देखिए 4 जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग 4 से काटते हैं दोस्तों, तो ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, देखिए 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 2 बार में। 25 को 7 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा, 175। 175 बाई कितना आ गया दोस्तों, 2। 175 बाई 2 हम लोग ऊपर में लिखते हैं, 175 का आधा कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा 87.5। 175 का आधा कितना होगा, 87.5 ही होगा। 87.5 इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 87.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या बोल रहे हैं। तो तीन नंबर बोल रहा है कि 7.98 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, यानी जो 7.98 1.9 का कितना प्रतिशत है, 7.98 के ऊपर लिखेंगे बटा में 100, और नीचे कितना लिख देंगे 1.9, ये आपसे पूछा है। अब हम लोग यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, तो एक प्लेस से यहाँ से डेसिमल हटा दिए, फिर इसको बताइए यहाँ पे पहले एक प्लेस से डेसिमल गया, तो यहाँ से भी हम लोग एक प्लेस हटा सकते हैं, लेकिन ऊपर में 2 है तो नीचे हम लोग को एक 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक 0 लगा दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे ऊपर में, डेसिमल ऊपर से क्या हुआ, 2 प्लेस में यहाँ से ये डेसिमल था, ये आपका खत्म हो गया, ये बन गया क्या 798 × 100 और 190। अब काट लीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 19 से क्या ये कटेगा, 19 से देखिए दोस्तों 19 से देखिए कट सकता है तो कट जाएगा। 4 बार में काटेंगे तो 76, और 2 बार में काटेंगे तो 38, 42 × 10 हो जाएगा आपका, 42 × 10 कितना हो गया 420, और 420 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन था, आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को देखने के पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि एक्स का 35% 140 है तो एक्स का मान क्या कीजिए, 35% का मान कितना दिया है 140, तो यहाँ पे हमने वही करना है, 35% का मान कितना दे दिया है 140, तो हम लोग को निकालना क्या है संख्या कितना, यानी 100% का मान, 100% का मान निकालना है। तो 35 × 140 कितना बार होते हैं, 4 बार, तो 100 को भी हम लोग कितना बार निकाल लेंगे, 4 बार, तो 100 को जब 4 बार निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 400 किस ऑप्शन में ही,
ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन पे क्या बोलता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि एक टीम में 45, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक टीम में 45 खेल जीतते हैं, जो खेले गए खेल का 60% है। यानी कि एक टीम है जो 45 खेल जीता है और ये 45 के लिए परसेंटेज में 60% जीत है। आपसे पूछा क्या है कि टीम ने कितने खेल खेले, तो उस पर टोटल खेल हमेशा कितना है, टोटल कोई भी चीज होता है जितना होता है 100%, तो आपको यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालना है। 45 से गया, अब इसको हम लोग यहाँ पे बिना किए हुए भी कर सकते हैं सॉल्व, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 4 का वैल्यू 23 हो गया, 4 का वैल्यू 3 हो गया, तो 4 कितना टाइम है, 4 जो है 100 कितना गुना है, 25 गुना है, इंटू पच्चीस है, 3 भी कितना हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा, 3 को इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, 75 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही हो जाएगा। 75 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले ये देखिए, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 36 किलो बारूद में क्या बोला है, यहां पर बोला गया है 36 किलो बारूद में, देखिए 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर भी कुछ मात्रा है उपस्थित है, सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको सल्फर का प्रतिशत यहाँ पर निकालने बोला है। आपको पहले दिया गया 36 किलो बारूद, टोटल बारूद है कितने, टोटल देखिए दोस्तों 20 बारूद, टोटल बारूद कितना है 36 केजी दिया हुआ है, 36 केजी हो गया, 27 किलो उसका नमक है, नमक मतलब सॉल्ट, 27 किलो नमक हो गया, 27 केजी नमक हो गया, और क्या बोला है 5.4 किलो चारकोल, चारकोल कितना है 5.4, और बाकी जो बचा हुआ सल्फर है, तब से देखा सल्फर कितना होगा, सल्फर हो गया जैसे कि इसको देखिए 36 के जी टोटल है, उसमें 27 और 5.4 नमक और चारकोल है, ये बचा रहेगा वही हो जाएगा। 36 में जब हम इसको जोड़ के घटाएंगे तो हमारा चारकोल सल्फर निकल जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 32.4 हो गया। 36 में से अगर हम 32.4 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3.6, यानी 3.6 के जी क्या बचा हुआ दोस्तों आपका सल्फर बचा हुआ है, टोटल है कितना, देखिए 3.6 तो हो गया किसका, सल्फर का, और आपसे निकालने क्या बोला सल्फर का मात्रा, 3.6 किसका हो गया सल्फर का, टोटल है कितना 36 के जी, तो देख पता चल रहा होगा 3.6 जो है 36 का 10% है, 10% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना तेजी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए सातवां नंबर क्वेश्चन को बनाने का। सातवां नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या बोला है कि एक किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, यदि मिली धातु 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। आपसे पूछा कि तांबे की गुणवत्ता क्या है, तो एक किलो है तो उसके देखिए टोटल एक किलो है कितना है, एक किलो टोटल कितना है, एक किलो है कोई भी सामान है, एक किलो मान लीजिए एक किलो का कोई भी धातु है, मिश्र धातु इसमें बहुत सारा मिलाया हुआ है, उसमें आपने पूछा तांबे की गुणवत्ता क्या होगी, तांबा है कितना परसेंट, 32%। यहाँ पे देख सकते हैं कि तांबा कितना परसेंट है, 32% है तांबा, 32%, तो 1000 में 32% अगर तांबा होगा तो इसका 32% हम लोग निकाल देंगे, ये निकल गया 32%, 10 बार में कट गया, आंसर कितना आ गया दोस्तों आपको 320 ग्राम तांबा उसमें आपका बच जाएगा, तांबा उसमें है, जस्ता बोलते तो 40% निकालते और शेष निकल, अगर निकल निकालने बोलता तो 40-32 से 72% तो दोनों हो गया, 28% बस का निकल, तो 28% निकालते दो बस भी, लेकिन यहाँ बोला क्या है बस तांबा निकालने के लिए ना, तांबे की गुणवत्ता, तांबा कितने हो जाएगा 320, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आठवां नंबर क्वेश्चन, तो आठवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कट गया था पे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग करेंगे 8 से लेके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे दोस्तों 8 से लेके क्वेश्चन कर देंगे 20 तक, 8 से 20 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक।